हे व्हाट्स अप गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वीओ के इस फोन में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगा सकते हो, यानी कि अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को कैसे ऐड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगाने के लिए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ और ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्राइवेसी, प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, तो या फिर आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी में नहीं जाना है, आपको सिक्योरिटी में आ जाना है, सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हो पासवर्ड सेट कर लीजिए। उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी ऐप्स को आप लॉक करना चाहते हो उसको यहाँ से लॉक कर लीजिए। लॉक करने के बाद गाइस आपको बैक जाना है, एक बार फिर से बैक जाना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट, जो दिख रहा है फिंगरप्रिंट एडेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और अपना पैटर्न डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे सेकंड नंबर पर आप एक ऑप्शन देख रहे हो प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का, तो ये वाला ऑप्शन जो है इसको आप इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करते ही आपके ऐप लॉक का पासवर्ड मांगेगा, तो ये इनेबल हो जाएगा। अब आपके ऐप लॉक में पासवर्ड में यानी कि फिंगरप्रिंट भी ऐड हो चुका है, अब अपने फिंगरप्रिंट से भी आप ऐप लॉक को ओपन कर पाओगे।